हाय, दिस इज मनीष शर्मा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो ये वीडियो में हम लोग एनालिसिस करेंगे कल के सेशन के लिए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लेवल्स क्या क्या पॉसिबल है, और बैंक निफ्टी हम लोग ज्यादा डिटेल में एनालिसिस करेंगे क्योंकि कल आरबीआई पॉलिसी भी है और मैं आपको मेरा ट्रेड भी बताऊंगा आरबीआई पॉलिसी के पहले मैंने क्या ऑप्शन स्ट्रेटजी ट्रेड किया है। सो ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हो क्लीन एंड क्लियर डाउन ट्रेंड में चल रहा है, लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन बना रहा है। यहाँ पर 32,000 के आसपास इसने दो बार टेस्ट किया है, 32,400 का लो है, 32,412 का लो है, और आज का लो भी अगर आप देखो 32,460 का है। तो 32,400 ये तीन बार टेस्ट कर चुका है, ये लास्ट जो स्विंग था इसी के आसपास ये बार बार सपोर्ट ले रहा है। अब कल के दिन में आपको क्या लेवल्स पे ध्यान देना है और आपको क्या ट्रेड लेना चाहिए ये ध्यान से समझ लो। 32,400 अगर टूटता है या फ्लैट ओपनिंग होता है और गिरना स्टार्ट होता है या गैप डाउन होता है 32,400 के नीचे, तो एक बड़ा फॉल हमें देखने को मिल सकता है क्योंकि ये लेवल ऑलरेडी दो से तीन बार टेस्ट हो चुका है। तो 32,400 के नीचे एक बड़ा फॉल हमें देखने को मिल सकता है, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट आता है वो डायरेक्टली 30,000 के आसपास आता है। सो बैंक निफ्टी अगर 32,400 के नीचे जाता है और उसके नीचे अगर क्लोजिंग देता है तो 30,000 तक भी बैंक निफ्टी आ सकता है आने वाले दिनों में। सो आपका व्यू बेरिश होना चाहिए अगर 32,400 का लेवल टूटता है, क्लियरली डाउन ट्रेंड में चल रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हो एक ट्रेंड लाइन भी बन रहा है। अगर इन केस आरबीआई पॉलिसी में कुछ भी पॉजिटिव आता है और बैंक निफ्टी पॉजिटिव होता है तो आपको ये ट्रेंड लाइन टूटने का वेट करना पड़ेगा। जैसे ये ट्रेंड लाइन क्रॉस करेगा एक बड़ा शार्प अपू हमें देखने को मिल सकता है, एक शॉर्ट कवरिंग रैली हमें देखने को मिल सकती है और आप देख सकते हो यहाँ पर ये प्रॉपर W पैटर्न बना के ब्रेकआउट भी दे सकता है ऊपर की तरफ। तो कल दोनों चीजें पॉसिबल है, 33,200-33,300 के अगर ऊपर निकलता है तो एक शार्प शॉर्ट कवरिंग रैली भी हमें देखने को मिल सकती है, 32,400 अगर टूटता है तो एक शार्प फॉल बड़ा फॉल हमें देखने को मिल सकता है। तो कल आपको ओपनिंग के लिए वेट करना पड़ेगा, कहाँ पर ओपन होता है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर फ्लैट ओपनिंग होकर वापस ये फॉल कंटिन्यू कर रहा है तो एक शार्प फॉल हमें देखने को मिल सकता है, और अगर फ्लैट ओपनिंग होकर ये ऊपर की तरफ कंटिन्यू करता है तो 33,000 के ऊपर एक शॉर्ट कवरिंग रैली हमें देखने को मिल सकती है जिसमें पॉसिबल है 33,500 और 34,000 तक के लेवल्स भी हमें देखने को मिल जाए। सो आपको थोड़ा कल प्राइस एक्शन के लिए वेट करना पड़ेगा, ओपनिंग देखना पड़ेगा कहां पर ओपन हो रहा है, कुछ भी लेवल्स में चेंजेस हुआ तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा मॉर्निंग में 9:30-10 बजे के आसपास। सो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और ये स्ट्रेटजी मैंने ट्रेड किया है, 32,000 का पुट मैंने सेल किया है, 33,000 का कॉल मैंने सेल किया है, ये शॉर्ट ट्रायंगल स्ट्रेटजी मैंने ट्रेड किया है क्योंकि प्रीमियम्स काफी ज्यादा हाई है आरबीआई पॉलिसी के पहले, आईवी ज्यादा है इसलिए ऑप्शन प्रीमियम भी ज्यादा है, और कल मॉर्निंग में अगर फ्लैट ओपनिंग होता है या 32,500-600 के आसपास ओपनिंग होता है तो हमें ये स्ट्रेटजी में एक अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, इसलिए मैंने ये स्ट्रेटजी ट्रेड किया है। बट ऑब्वियसली जो भी आप ट्रेड ले रहे हो उसमें आपको रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना पड़ेगा, एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना पड़ेगा। तो लेट्स सी कहां पर ओपनिंग होता है, अगर 33,000 के ऊपर गैप अप ओपनिंग होगा तो मैं ये स्ट्रेटजी मॉर्निंग में स्क्वायर ऑफ कर दूंगा, अगर 32,500-600 के आसपास ओपनिंग हो रहा है तो ये स्ट्रेटजी में हमें एक अच्छा प्रॉफिट आ सकता है, लेकिन आपको ये आरबीआई पॉलिसी के पहले ही स्क्वायर ऑफ कर देना है। मैं तो 10 बजे के पहले ही स्क्वायर ऑफ करने वाला हूँ ये स्ट्रेटजी क्योंकि 10 बजे के बाद आरबीआई पॉलिसी मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा और किसी भी तरफ हमें वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। सो मैं ये स्ट्रेटजी 10 बजे के पहले ही स्क्वायर ऑफ कर दूंगा। पर आज मॉर्निंग में मैंने एक ऑप्शन राइटिंग ट्रेड भी दिया था, बहुत फास्ट ट्रेड था, यहाँ पर आप देख सकते हो 9:17 पे मैंने ट्रेड दिया था, 9:20 में इसमें दोनों टारगेट अचीव हो गए, ये मैंने कॉल सेल दिया था 440 में और 350 तक इसने लो बनाया, इसमें हमारे दोनों टारगेट अचीव हुए और उसके बाद बैंक निफ्टी में हमें रैली देखने को मिली। तो ये टेलीग्राम चैनल में आपको ऑप्शंस राइटिंग के ट्रेड्स भी मिलेंगे, ऑप्शंस बाइंग के ट्रेड्स भी मिलेंगे। कल मैं ट्राई करूंगा कि टेलीग्राम चैनल में आपको एक ऑप्शंस बाइंग ट्रेड मिले ताकि अगर बैंक निफ्टी में एक बड़ा मूवमेंट होता है तो हम लोग ऑप्शंस बाइंग में एक अच्छा प्रॉफिट कमा सके। तो कल मैं मॉर्निंग में ऑप्शंस बाइंग का ट्रेड भी प्लान कर रहा हूँ, तो आप टेलीग्राम चैनल में एक्टिव रहना। और ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है, मैंने आपको कल ही वीडियो में बता दिया था कि एक वॉलेटाइल मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है, साइडवेज मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। आज अगर आप देखो ये पहला कैंडल है और उसके बाद कंप्लीटली रेंज बाउंड था, साइडवेज था, कोई ज्यादा मूवमेंट हुआ नहीं, कोई ज्यादा ट्रेंडेड हुआ नहीं। और ये मैंने सुबह मॉर्निंग में टेलीग्राम में ही मैसेज दे दिया था 9:30 बजे कि अभी मार्केट साइडवेज हो जाएगा, वॉलेटाइल हो जाएगा, और एग्जैक्टली मार्केट रेंज बाउंड ही रहा, एक रेंज में ही वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिली। ये निफ्टी का डेली चार्ट है, निफ्टी काफी क्रूशियल लेवल पे, काफी इंपॉर्टेंट लेवल पे है क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के आसपास है। 14,500 अगर टूटता है तो डेली चार्ट पे एक मेजर ब्रेकडाउन हमें देखने को मिल सकता है। 14,200-13,600 के मैंने ऑलरेडी टारगेट आपको दिए हुए हैं और 14,500 अगर टूटता है तो एग्रेसिव सेल ऑफ हमें देखने को मिल सकता है।
14,200 और 13,600 तक के टारगेट के लिए आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। सो निफ्टी में भी कल आपको थोड़ा प्राइस एक्शन देखकर ट्रेड करना पड़ेगा, कहां पर ओपनिंग हो रहा है और उसके बाद पहला दो तीन कैंडल में किस तरीके का मूवमेंट हो रहा है, उसके हिसाब से आपको ट्रेड प्लान करना पड़ेगा। बट कल जो बड़ा मूवमेंट है वो बैंक निफ्टी में ज्यादा पॉसिबल है क्योंकि आरबीआई पॉलिसी है, तो कल निफ्टी में हमें इतना बड़ा मूवमेंट देखने को ना मिले जितना बैंक निफ्टी में पॉसिबल है। कल ज्यादातर ट्रेडर्स बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करेंगे क्योंकि बैंक निफ्टी रिलेटेड इवेंट है आरबीआई पॉलिसी। निफ्टी अगर आप 15 मिनट के चार्ट पे देखो तो ये एक रेंज बना हुआ है 14,800 के आसपास, मैंने आपको बताया था कि रेजिस्टेंस है, 14,800 के ऊपर गया सस्टेन नहीं हुआ, वापस एक फॉल हमें देखने को मिला, 14,800 इंपॉर्टेंट लेवल होगा, वापस 14,800 के ऊपर अगर ओपन होता है और स्टार्टिंग का 15-20 मिनट अगर सस्टेन कर लेता है तो एक अपसाइड मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है और 14,900-950 के लेवल्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं। तो 14,800 के लेवल पे आप काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना और नीचे में 14,650 ये अगर लेवल टूटता है तो 14,500 टूटने के भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे और फिर जो मैंने आपको टारगेट बताया 14,200-13,600 ये टारगेट भी पॉसिबल है आने वाले ट्रेडिंग सेशन में। तो 14,650 का लेवल है जिसपे आपको ध्यान देना है नीचे की तरफ, अगर वो टूटता है तो आपको सेल की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है। 14,800 का लेवल पे ध्यान देना, अगर उसके ऊपर सस्टेन करता है तो एक अपसाइड शॉर्ट कवरिंग रैली हमें देखने को मिल सकती है। सो ये था ओवरऑल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस वीडियो। अगर आपको वीडियो और एनालिसिस अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।